तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हम लोग लिख लेते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। बहुत सारे बुक में आप लोग को पावर नहीं मिलेगा, लेकिन पावर उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा पढ़ाया गया है। जैसे एनसीईआरटी में भी वर्क एनर्जी सिर्फ है, लेकिन पावर थोड़ा सा पढ़ाया गया है एनसीईआरटी में भी। आइए देखते हैं हम लोग के वर्क एनर्जी पावर के बारे में हम लोग बात करते हैं, विशेष तौर पे यही बात करनी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें वर्क की, किन टॉपिक को पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें डिस्कशन का मौजू नहीं रहेगा। क्या पढ़ना है ये मौजू है, मतलब क्या क्या पढ़ना है खुद बहुत समझ में आ जाएंगी बातें। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्या वर्क पढ़ेंगे। वर्क के बारे में जानने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए बात करूँ। तो वर्क क्या है आप जान लीजिए कि दो लड़की है, चिंकी मिंकी और मैं खुद हूँ, ठीक है, चिंकी मिंकी और मैं खुद हूँ। चिंकी मिंकी दोनों जो है हमारे पड़ोसी है, हमारी फ्रेंड है। कोई है, हुआ यह कि हमें अपने घर में सामान को शिफ्ट करना था। कैसे सामान थे हमारे घर में? तो भाई पढ़ने लिखने वाले लोग हैं हम लोग, तो पढ़ने लिखने वाले लोगों के पास कौन सा सामान होगा? बुक सेल्फ होगा। क्या होगा? बुक सेल्फ होगा। ये बुक सेल्फ है, बुक की सब में रखी हुई है, एक बुक सेल्फ यहाँ पे है। इसी कारण बस मैं अपने घर की सफाई कर रहा था, बुक सेल्फ को यहाँ पोजीशन ए से उठाकर पोजीशन बी पे ला के रखना था, यहाँ शिफ्ट करना था। मैं जब इसे पुश करके वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान क्या हुआ कि मेरे नंबर पे मोबाइल पे एक फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन पे कहा गया कि एक छोटा सा काम है और आपको जल्दी आना है, एमरजेंसी है। तो मैं जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मतलब ये है कि मैं सफाई भी कर रहा था, अब क्या किया जाए। तो मैंने देखा कि ये दोनों बच्ची खेल रही है, ये दोनों बच्ची देखी जब मुझे परेशान, तो उन्होंने कहा कि सर क्या काम, क्या मसला है? तो मैंने कहा कि मसला कुछ नहीं है, मसला ये है कि मुझे ये सामान भी यहाँ से यहाँ ला के रखना था, पोजीशन ए से पोजीशन बी में रखना था, और मुझे कहीं जाना भी है। तो मैं कहा कि इसमें दिक्कत की क्या बात है, आप परेशान हो तो ये हम लोग कर देंगे, छः होने हार बच्चे हैं आजकल माने गए। तो वो ये काम करने के लिए तैयार हो गए। जब वो तैयार हो गए ये काम करने के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया कि उसको ये काम देकर चले गए। मैं गया, तो भाई मैं कहीं गया कोई काम को निपटाने के लिए, तो वहां से वापस आएंगे या नहीं? मैं वापस आया, तो हुआ ये कि चिंकी जो है, चिंकी जिसे हम लोग चिंकी कहते हैं, चिंकी जो है इस काम को यहाँ से, इस बॉक्स को, इस बुक शेल्फ को यहाँ ला कर रख चुकी थी चिंकी। तो मैंने चिंकी को क्या किया, वाह बहुत अच्छा काम किया तुमने, तुमने तो बॉक्स को पहुंचा दिया यहाँ। अब मामला आया मिंकी का, मिंकी ने इस काम को करने की कोशिश किया या नहीं किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन मिंकी का जो बॉक्स है पोजीशन ए पर ही था, पोजीशन ए से पोजीशन बी पे नहीं गया। अब मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं? मैंने मिंकी को कहा कि भाई तुम बहुत बेवकूफ हो, जब तुम्हें काम नहीं करना था तो तुम बोल देते, मैं किसी और को बोल देता, रिंकी को बोल देता, मैं मिंटू को बोल देता, चिंटू को बोल देता, किसी को बोल देता, तो तुमसे काम नहीं होगा। मैं उसे डांट डपट के आराम से जाकर सोफा पे बैठ गया और बहुत गुस्से में था, क्योंकि मैं जहाँ गया था जो काम को निपटाने, वहाँ भी काम तो हुआ लेकिन गुस्से में गया, तो मैं बहुत गुस्से में था। उतने में चिंकी आई, चिंकी ने कहा कि सर ऐसा नहीं है, उसने बहुत कोशिश किया लेकिन उससे बॉक्स जो है खसका ही नहीं। आखिर क्या था उस बॉक्स में मुझे नहीं पता, लेकिन असल में आपने मुझे नहीं कहा था, इसलिए मैंने अपना काम किया और उसे उसके काम में हेल्प नहीं किया। तब मुझे गुस्सा कम हुआ और मैं जाके फिर मिंकी को बोला कि ठीक है भाई कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे एक सवाल मैंने किया, वही सवाल आपसे किया जाएगा। वो सवाल क्या होगा भाई? सवाल यह है कि बताइए कि अगर इसने कोशिश किया तो ये बॉक्स यहाँ क्यों नहीं आया? वैसे ही जैसे कि ताजमहल को तीन बेवकूफ दोस्त जो है खसकाकर धूप से ठंडे में ले जाकर रख दिए थे, ये हमारा मानना है, लेकिन एक्चुअल में रखे या नहीं रखे? तो साजिया का कहना है नहीं रखे। तो आखिर क्या हुआ? इस सवाल का जवाब हमें सोचना चाहिए। इस सवाल का जवाब यह है कि सर यहाँ पर चिंकी ने काम किया और मिंकी ने काम नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि काम तब होता है जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर दे, काम तब होता है जब उस पर फोर्स लगता है। तो चलिए भाई, मैंने अभी पता किया, ठीक है भाई मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मैंने लिखा क्या चाहिए मुझे, चावल चाहिए, ठीक है भाई चावल चाहिए मुझे, क्या चाहिए राशन में और सामान, तेल चाहिए,
सब कुछ लिख लिए, बाजार गए, स्टोर पे खड़े हुए, स्टोर पे मैंने कहा कि भाई मुझे चावल चाहिए, तो राइस चाहिए, राइस चाहिए, यहाँ पे टिक बॉक्स लगा होता है, टिक कर दिया, अच्छा राइस मिल गया, सारा सामान मिल गया। अब यहाँ पर हम वर्क में यही चेक करने वाले हैं बच्चे, कि वर्क में हम ये चेक करेंगे कि बताइए किसने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया पिंकी ने, फोर्स लगाया लगाया, क्या की वजह से डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस हुआ, अगर ये दोनों टिक लग गया अच्छा तो वर्क हुआ। इनकेस मिंकी के मामले में क्या हुआ कि फोर्स तो लगा लेकिन डिस्प्लेस नहीं हुआ, मतलब के वर्क नहीं हुआ। तो वर्क होने के लिए क्या चाहिए होता है, वर्क होने के लिए दो टर्म चाहिए होगा, पहला फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। आ गया समझ में, दोनों दिक्कत नहीं सर। तो फोर्स लग जाने से सिर्फ वर्क नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली हम ये जानते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर डिस्प्लेस कोई कर देता है बिना फोर्स के, कर सकता है डिस्प्लेस, जादू की छड़ी तो है नहीं, जल्दी कम ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो फोर्स के लिए कितनी चीजें चाहिए थी, दो चीजें चाहिए थी। तो इस कहानी में ये बातें समझ में आई, अगर शॉर्ट में हम दो लाइन में अगर इस कहानी को समझे कि मैं अपना काम, घर का काम निपटा रहा था, बुक सेल्फ को कहीं शिफ्ट कर रहा था, अर्जेंटली मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो मैं जाने से पहले अपने दो इस फ्रेंड को, चिंकी और मिंकी को ये कह दिया कि इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ खसका दो। उसने कोशिश किया, चिंकी ने, तो ये बॉक्स पोजीशन ए से पोजीशन बी पे पहुंच गया। इसने कोशिश किया तो ये बॉक्स पोजीशन ए से पोजीशन ए पर ही रह गया। ऐसा नहीं कि पोजीशन ए से बी पर जाकर ए पे आ गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये क्या समझ में आता है हमें कि भाई वर्क के लिए दो चीजें चाहिए होती है, क्या क्या चाहिए होती है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क किन चीजों पे डिपेंड है, वेरी गुड बच्चों। अब आगे क्या कहानी है, कोई हमारी पहचान होती है बहुत अजीब गरीब किस्म की प्रजाति के तौर पे, हम मग में चाय पी रहे होते हैं, चाय मग में पिया जाता है, बकेट में पिया नहीं जाता है, तो चाय मग में हम लोग पी रहे थे। चाय पीते पीते हम लोग टहल रहे हैं अपने कमरे में, कमरे में यहाँ पे टेबल रखा हुआ है, कमरे में यहाँ पे क्या रखा हुआ है, टेबल, टेबल पे जो है एक क्रिकेट बॉल रखा हुआ है, टेबल पे एक क्रिकेट बॉल रखा हुआ है, टेबल पे बैंगल बॉक्स रखा हुआ है, टेबल पे आपका कोई इंपॉर्टेंट सामान रखा हुआ, हो सकता है कि आपका लेंस रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है। हम लोग क्या है, अजीब गरीब प्रजाति इसलिए है क्योंकि हम लोग जब चाय पी रहे होते हैं तो टेबल के आसपास जब जाते हैं तो टेबल के आसपास की चीज़ों को हम लोग इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर खसकाते रहते हैं। ये हमारा आम कल्चर है यार, यस तो ठीक है भाई, करते हैं और करते हैं, तो किसी को क्यों दिक्कत है भाई, हम अपना काम करते हैं, दिक्कत है क्या, दिक्कत है कोई बताएगा। आप जो ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह करते हैं तो फोर्स आप लगाते हैं, फोर्स लगाने के क्या होता है, ये डिस्प्लेस होता है, डिस्प्लेस होता है तो मतलब क्या है, आपने वर्क किया, आप जो चाय पी रहे हैं उससे एनर्जी हासिल हो रही है, एनर्जी कन्वर्ट होकर कहाँ चल जा रही है, इसमें चल जा रही है, तो ओवरऑल एनर्जी को आप उसी वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं, ठीक है। ये गलत मसला है, क्यों कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, सवाल ये है कि ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा करने के कारण क्या हो सकते हैं। हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे, ये एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा, इस एग्जाम्पल पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। पुशे स्टोन, स्टोन मान लेते हैं इसको हम लोग, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, पुशे स्टोन, पुश ए स्टोन ऑन ए सरफेस द टेबल या द स्टोन, सॉरी द स्टोन, The stone moved through a distance. You exerted force on the stone. And the stone, got displaced, got displaced
इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन, इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन, इस सिचुएशन में क्या हुआ कि वर्क डन हुआ। तो क्या कहा गया इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में ये कहा गया कि एक स्टोन है जिसे हम लोग टेबल पर क्या करते हैं, एक सरफेस पर हम लोग पुश करते हैं, धक्का देते हैं। आप जानते हैं फोर्स की कहानी 8 क्लास में क्या पढ़े थे कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, वही है लगभग। यहाँ पे बस 9th में आके हम लोग ये जाने कि एक एजेंट को फोर्स कहते हैं, मतलब ये है कि किसी चीज को पुश कर रहे हैं तो पुश करने वाली एजेंट का क्या नाम है, फोर्स है। वो फोर्स की वजह से क्या होता है कि सरफेस पे हम स्टोन को क्या करते हैं, पुश करते हैं। जब हम पुश करते हैं तो वो क्या होता है कि डिस्प्लेस होता है, डिस्प्लेस होगा तो मतलब ये है कि वो वर्क डन करेगा, क्या करेगा, वर्क डन करेगा। अब आप मतलब क्या है समझदारी की बात, आइए देखते हैं हम लोग। आप लोग समझदार बच्चे हैं माशाल्लाह, आप लोग अपने कमरे में बैठे हुए हैं, ये आपका प्यारा सा कमरा है, और प्यारा सा कमरा बनाने मुझे तो नहीं आता लेकिन प्यारा सा कमरा है मान लेते हैं। ये कमरे का गेट है, यहाँ पे आपने बुक टेबल लगा रखा है, मतलब कि स्टडी टेबल लगा रखा है। आपका यहाँ पे बेड है, शानदार सा बेड है, ये स्टडी टेबल है, ठीक है। ये आपका डोर है, आप पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी टेबल पर किसी वजह से बैठ कर पढ़ने का मन आपको नहीं किया, आपको यहाँ पे बैठ कर पढ़ने का मन नहीं किया, तो आपने किताबें उठाई यहाँ ले जाकर रख दिया, यहाँ पे बैठ के पढ़ने लगे, कहाँ, बेड पर पढ़ाई कर ली। उसके बाद आपको पढ़ाते पढ़ते पढ़ते आपने अपने आप को बाहर कहीं ले जाने की कोशिश किया, मतलब आप बाहर निकल के घूमने के लिए, बाहर से मुराद होता है कि कमरे से बाहर, घर के बाहर नहीं की बात हो रही है, तो कमरे के बाहर चले गए। उतने में आपकी अम्मी आई, अम्मी ने कमरे में देखा कि किताबें जहाँ तहाँ पड़ी हुई है। अम्मी ने कहा कि भाई ठीक है, खूब पढ़ते हो तो माशाल्लाह अच्छी बात है, एक अच्छे बच्चे की पहचान है, लेकिन अच्छे बच्चे की पहचान ये नहीं है कि वो किताबों को फैला कर रखे। तो आपको लगा कि भाई अम्मी बिला वजह का क्यों परेशान हो रही है, ठीक है मैं उस किताबों को ठीक कर देती हूँ। तो आपने क्या किया कि एक प्यारी सी लड़की है, जैसे आप लोग गेस कर लें कि आप खुद होंगी, तो आपने अपने हाथों में एक प्यारी प्यारी सी किताबें रख ली, ये सब किताब है ना, सारी किताबों को ऐसे आपने उठा लिया, एक एक करके सारी किताबों को उठा लिया, सारी किताबों को उठाया, उठाया तो क्या होगा, आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो आप लेकर जाएंगे, आप लेकर जाएंगे, डिस्प्लेस होगा, कहाँ ले जाकर रखेंगे, अलमीरे में रखेंगे या स्टडी टेबल पर रखेंगे। तो ये जो लाइन करना, किताबों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, क्या 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 होता है, वर्कडन होता है, क्या होता है, वर्कडन होता है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में मौजूद है ये, हाँ लाइन लिखिए, लिफ्ट ए बुक थ्रो ए हाइट, लिफ्ट ए बुक थ्रो ए हाइट, हाइट पर लेके जाते हैं हम, थ्रो ए हाइट टू डू दिस, टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई ए फोर्स, यू मस्ट अप्लाई ए फोर्स, अप्लाई ए फोर्स, द बुक राइजेज अप, देयर इज ए फोर्स, there is a force applied on the book, applied on the book, applied on the book, and book has moved, and book has moved, applied, applied on the book, and book has moved, book क्या होगा, मूव हो जाएगा, जब आप उसको फोर्स लगाएंगे तो वो मूव हो जाएगा, हेंस वर्क इज डन, हेंस वर्क इज डन। इस कंडीशन में क्या हुआ, वर्क हो गया। इसके बाद आगे लिखिए टू कंडीशन, इसको थोड़ा सा स्टार करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने हैं, टू कंडीशन टू सेटिस्फाइड, दो कंडीशन होता है सेटिस्फाइड टू वर्क, वर्क को सेटिस्फाइड करने के लिए कितनी कंडीशन होती है बच्चों मेरे, दो कंडीशन होती है। पहला क्या होता है,
पहला होता है ए फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे लगेगा फोर्स, क्योंकि फोर्स तो दुनिया भर में है ना, फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगेगा तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, ऐसा ना हो कि ताजमहल की तरह ऑब्जेक्ट वहीं पे रह जाए, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस। बात आगे समझ में, इसके बाद प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी, क्या लिखवाया मैंने, मैंने लिखवाया कि वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी, मतलब यह है कि वर्क डन तभी होगा जब किसी बॉडी पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, वो डिस्प्लेस होगा, मतलब यह है कि वो वर्क तभी कहलाएगा जब वो चीज क्या चीज में आ जाए, मोशन में आ जाए, वो चीज किस चीज में आ जाए, मोशन में आ जाए। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, अब आती है बात के फोर्स का फॉर्मूला होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये मल्टीपल ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा भाई लिखिए, बातें भी शॉर्ट में समझा देते हैं। लेट ए कांस्टेंट फोर्स एफ, मतलब फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है उस वैल्यू के लिए, एट और ए ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये सामान है, ये सामान पे फोर्स लगेगा, टू टू डिस्प्लेस थ्रो ए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से शो करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसलिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है फोर्स है, ये क्या है फोर्स है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है। बात बात समझ में आ गई आप लोगों को माशाल्लाह। अब आपने जितनी फिजिक्स पढ़ी है ना, ये तमाम फिजिक्स यहाँ पे आगे गलत हो जाएगी, कैसे देख लेते हैं हम लोग। एक लाइन कहती है फिजिक्स कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट के हम जानते हैं, हम तमाम लोग जानते हैं कि जिसके अंदर डायरेक्शन होता है और जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये बात हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, तो क्या है भाई यहाँ पे, इसके अंदर डायरेक्शन है, डिस्प्लेस करेगा किसी डायरेक्शन में, और इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, तब भी ये क्यों स्केलर क्वांटिटी है, तो मैंने बताया कि ये डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक 11th क्लास में बताया जाता है कि स्केलर क्वांटिटी ये क्यों है, तो फिजिक्स ही एक ऐसा अजूबा चीज है जिसमें सारी जगह चेंजिंग आती रहती है, बस कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया तो चेंजिंग हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, लेकिन इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है। आगे बात समझ में, If is equal to 1 Newton, अगर एक सवाल है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1, if is equal to 1 Newton, F is equal to 1 Newton and S is equal to, S का मतलब displacement, is equal to 1 meter, तो पॉइंट करके बताइए कि वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू 1 × 1 इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल, तो इससे क्या बात साबित होती है, इससे ये बात साबित होती है कि वर्क डन का, लिख लीजिए ये लाइन, वर्क डन एसआई यूनिट या एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू जूल, क्या जूल, आगे बात बच्चों समझ में,
अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। मान लेते हैं कि यहाँ पे राइट जो है, यहाँ पे जो राइट है राइट पॉजिटिव है, तो लेफ्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा, ये बात आप लोग जानते हैं। अगर राइट पॉजिटिव है तो लेफ्ट क्या है? नेगेटिव है। तो सबसे पहले यही चीज यहाँ पे लिख के छोड़ दीजिए अपने साइड में याद रखने के लिए कि राइट जो है पॉजिटिव है तो लेफ्ट क्या है? नेगेटिव है। बात समझ में आ जाएगी। चलिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है कि मैं जिधर चलकर जा रहा हूँ ये राइट में जा रहा हूँ या लेफ्ट में जा रहा हूँ। मैं जिधर चलकर जा रहा हूँ ये राइट में जा रहा हूँ या लेफ्ट में जा रहा हूँ? राइट में जा रहा हूँ। मैं राइट में डिस्प्लेस हुआ, मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर से यहाँ पे आ गया, पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आ गया, तो मैं राइट में गया, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैंने फोर्स किधर लगाया? राइट में लगाया। तो फोर्स किधर लगा? डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? किधर हुआ? एक एग्जांपल दिए हो गया। इससे क्या समझ में आया कि बाद में हम बताएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव छोड़ दीजिए, अभी बस ये समझिए कि दोनों चीज एक ही डायरेक्शन में। अब दूसरे डायरेक्शन के दूसरे क्वेश्चन।